गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फोटोट्रॉपिज क्या होता है आपका. हमने उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोट्रॉपिज. नाम ही इंडिकेट कर रहा है वाटर. हम यहाँ पर जो हमारा प्लांट है उसकी जो पार्ट्स है प्लांट पार्ट्स के वो मूव कर रहे हैं अगर वाटर के डायरेक्शन में, तो उसके लिए हम टर्म्स करते हैं हाइड्रोट्रॉपिज. यहाँ पर भी बिल्कुल वही है. स्टिमुलाई हमारा क्योंकि वाटर है, अगर प्लांट पार्ट्स जो वाटर की तरफ मूव करेंगे तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज, और अगर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज पे लाएगा. देखिए हमने क्या किया, हमने दो पॉट लिए ग्लास पॉट और उसमें हमने एक सॉइल डाल दी. देन हमने छोटा सा साइज सीडलिंग डाल दिया है जिसमें टू लीव्स प्रेजेंट है और रूट है. आप देखेंगे इसमें हमने वाटर डेली बेसिस पे, जैसे आप अपने पॉट में वाटर देते हैं ठीक उसी तरह से हम इसमें भी वाटर दे रहे हैं. दूसरा हमारा एक और पॉट है, उसमें भी हमने क्या किया सॉइल फिल की हुई है. देन एक क्ले का हमने अदर फर्दर एक पॉट बनाया, उसको उस सॉइल में हमने रख दिया. देन इस पॉट में हमने क्या किया है वाटर डाल दिया. यहाँ पर भी हमने एक और ठीक इसी की तरह एक छोटा सा स्मॉल प्लांट यहाँ पर रखा है. इसमें हम लेकिन वाटर नहीं दे रहे हैं सॉइल में. यहाँ पर हम सॉइल में वाटर दे रहे थे, मॉइस्चर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम सॉइल में वाटर नहीं दे रहे. हमने वाटर कहाँ रख दिया है, इस क्ले पॉट में रख दिया है. क्ले पॉट एक परफोरेटेड पॉट की तरह काम करेगा जो पानी को छनते हुए कहाँ तक ले आएगा, सॉइल तक ले आएगा. धीरे धीरे ये वाटर कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है. तो यहाँ पर जो सॉइल है वो कैसी हो रही है, मॉइस्चर, और इधर जो सॉइल है वो कैसी है, ड्राई है. जिसकी वजह से हम जब कुछ दिन तक इस चीज़ को ऐसे ही रखते हैं, इसमें डेली बेसिस पे वाटर देते हैं और इसमें डेली बेसिस पे इस क्ले पॉट में वाटर ऐड करते रहते हैं. तो हमने देखा कुछ टाइम के बाद कि इस पॉट में जो प्लांट की रूट एंड स्टेम है ऑलवेज अपवर्ड, स्टेम अपवर्ड और रूट डाउनवर्ड स्ट्रेट फॉर्म में प्रेजेंट है. बट जब हमने इस प्लांट की सीडलिंग को देखा तो हमने देखा कि इस पॉट का स्टेम तो अपवर्ड बट जो रूट है वो किधर की तरफ मूव कर रही है, बिकॉज ऑफ वाटर इधर है, मॉइस्चर इधर है. दैट्स वाई यहाँ पर जो रूट्स है वो राइट हैंड साइड क्या करती है, मूव करती है, जो कि ये शो कर रही है कि जो प्लांट की रूट है वो वाटर की डायरेक्शन में या स्टिमुलाई की डायरेक्शन में क्या करती है, मूवमेंट को शो करती है, जो कि पॉजिटिव पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज को शो करती है. देखिए द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इज रिस्पॉन्ड टू वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोट्रॉपिज. जो जब किसी प्लांट को आप ग्रो कराते हैं और वो वाटर की डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हाइड्रोट्रॉपिज. टुवर्ड द वाटर, अगर वाटर की डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज. अवे फ्रॉम द वाटर, वाटर की अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है तो नेगेटिव हाइपोट्रॉपिज. यहाँ पर हमने आपको शो किया है पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज. In tub A, we plant a tiny seedling and in tub B, a similar seedling and also place small clay pot inside in the soil. एक tub A है, एक tub B है. इसमें भी हमने एक small plant grow कराया, इसमें भी हमने एक small plant grow कराया. और साथ में हमने यहाँ पे clay pot भी add कर दिया, जिसमें हमने water को रखा हुआ है. So the root seedling in tub B grows and bend toward the source of water to the right side. क्योंकि इस पॉट में हमने क्या नहीं डाला था, वाटर ऐड नहीं किया था, वो हमने क्ले पॉट में ऐड किया था, जिसकी वजह से प्लांट में इस पॉट में इतनी सॉइल में हमने मॉइस्चर देखा, जिसकी वजह से हमने देखा जो प्लांट है उसकी रूट किस साइड बैंड हो रही है, वाटर की डायरेक्शन में बैंड हो रही है, इसलिए उसको हमने कहा पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज. इस तरह से प्लांट जो है जब किसी स्टिमुलाई की डायरेक्शन में मूवमेंट को शो करता है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं उस पर्टिकुलर ट्रॉपिज को. नेक्स्ट हमारा थिग्मोट्रॉपिज. थिग्मोट्रॉपिज में टच, जब कोई प्लांट किसी चीज से टच होता है तो उसी पर वो ग्रो होने लगता है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं थिग्मोट्रॉपिज. मेनली आपने देखा होगा बहुत सारे क्लाइंबिंग प्लांट्स हैं जिनके स्टेम वीक होते हैं, उनकी कुछ की लीव्स वीक होती हैं, तो उनको हल्का सा सपोर्ट किसी सॉलिड सरफेस का मिल जाता है क्योंकि विंड के थ्रू वो उस सॉलिड से टकरा जाते हैं, एंड देन उस सपोर्ट के बेसिस पर वो अपने स्टेम को स्ट्रेट खड़ा कर लेते हैं या लीव को उस पर क्या कर लेते हैं, बैंड हो जाते हैं. देखिए द डायरेक्शन ऑफ ए प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू द टच. अगर टच की डायरेक्शन में हमारे प्लांट्स पार्ट्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं थिग्मोट्रॉपिज. यहाँ मैंने दो टाइप के आपको प्लांट शो करे हैं, एक ऐसा प्लांट जिसका स्टेम वीक है और एक ऐसा प्लांट जिसकी लीव्स वीक है. तो जैसे ही हवा के थ्रू डायरेक्शन में क्या हुआ, एक बैम्बू स्टिक या एक आपसे कह सकते हैं सॉलिड सर्फिस वहां से नजर आई, जिसकी वजह से इस प्लांट की जो स्टेम है उससे क्या हो जाती है, लिपट जाती है एंड देन इजिली रैप फॉर्म में वो खड़ी हो जाती है.
अप स्ट्रेट या राइट अप हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर लीफ है, इस प्लांट की लीफ कैसी है, वीक है, जिसकी वजह से वो भी बैम्बो स्टिक को, अगर उसको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाता है बैम्बो स्टिक का, तो वो उसी पर ग्रो करने लग जाती है एंड देन वो भी स्ट्रेट अप सीधी खड़ी हो जाती है। तो इस टाइप से क्लाइंबिंग प्लांट थंबो ट्रॉपिक्स को शो करते हैं। देखिए द क्लाइंबिंग पार्ट ऑफ द प्लांट टेंड्रिल्स ग्रो टुवर्ड एनी सपोर्ट टू टच एंड विन अराउंड दैट सपोर्ट। ठीक है, कोई भी उन्हें सॉलिड सरफेस मिलती है एंड विंड उसको सपोर्ट करके क्या करती है, उसमें हेल्प करती है, जिसकी वजह से वो इजीली अपने प्लांट को क्या कर सकते हैं, राइट अप या स्ट्रेट फॉर्म में खड़ा कर सकते हैं। तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं थिग्मोट्रॉपिक्स। फॉर एग्जांपल क्लाइंबिंग प्लांट, उनका वीक स्टेम होता है एंड हैंस कैन नॉट स्टैंड अपराइट ऑन देयर ऑन, अपने आप वो खुद खड़े सीधे नहीं हो सकते बिकॉज क्योंकि उनका स्टेम वीक है या उनकी लीफ वीक है, इसलिए टर्म इसीलिए टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स दो टाइप के होते हैं, स्टेम टेंड्रिल्स एंड लीफ टेंड्रिल्स। जिनके स्टेम वीक होते हैं स्टेम टेंड्रिल्स, जिनकी लीफ वीक होती है लीफ टेंड्रिल्स। द टेंड्रिल्स टू बैंड टुवर्ड द ऑब्जेक्ट बाय ग्रोइंग टुवर्ड इट, विंड अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड क्लाइंब टू इट। जब हमारे टेंड्रिल्स बैंड करते हैं किसी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी सॉलिड सर्फेस की तरफ, ग्रोइंग टुवर्ड, और उस पर ग्रो करने लग जाते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड क्लाइंब इट, और धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे उस पर चल रहे हों, क्लाइंब इट। That's why it's called as positive thrombotropis। और ये बहुत सारी हैं, जैसे बिटर गॉड जिसे आप करेला कहते हैं, बॉटल गॉड जिसे आप लौकी कहते हैं, ग्रेप वाइन एंड पैशन फ्लावर्स। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं हमारे जिनकी स्टेम या लीफ कैसी होती है, वीक होती है, तो उन्हें एक सपोर्ट चाहिए होता है, तो विंड के थ्रू जब वो सॉलिड सर्फेस से टच करते हैं तो उस पर वो ग्रो करने लगते हैं और अपराइट सीधे खड़े हो जाते हैं, स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से टच क्या है, यहाँ पे एक स्टिमुलाय है और उस डायरेक्शन में प्लांट क्या करने लगता है, मूव करने लगता है, ग्रो करने लगता है, उसी को हम बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिक्स, पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिक्स। थैंक यू एवरीवन।